हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कुछ यूजफुल टर्म्स के बारे में पढ़ा था। जब हम इंटरनेट यूज़ करते हैं या इंटरनेट के बारे में बात करते हैं तो कुछ यूजफुल टर्म्स बहुत ज़रूरी होती है, उनके बारे में जानना। आज हम लोग कुछ और टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो इंटरनेट यूज़र्स को पता होनी चाहिए। नाउ वी स्टार्ट विद वेब ब्राउज़र। तो देखिए, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, लेकिन उसमें एक चीज़ आपको बतानी रह गई थी क्योंकि वीडियो लेंदी हो रहा था। वेब ब्राउज़र की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो जनरली जो मेजर वेब ब्राउज़र होते हैं दे हैव थ्री यूज़र इंटरफेस एलिमेंट्स इन कॉमन। तो इसमें यूज़र इंटरफेस एलिमेंट जो होते हैं, यूज़र इंटरफेस एलिमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जो यूज़र है, जो उस वेब ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं, वो कैसे उसको वेब ब्राउज़र से आगे पीछे पिछले पेज पे किस तरह वो नेविगेट कर सकता है। तो देखिए, जनरली जो बटन होते हैं उसमें क्या क्या होता है, एक तो बैक बटन होता है, पिछले पेज पे वो जा सकता है, और एक फॉरवर्ड बटन होता है, ठीक है। बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स टू गो बैक टू द प्रीवियस रिसोर्स एंड फॉरवर्ड रिस्पेक्टिवली, पहली चीज़। दूसरा जो उसके पास क्या बटन होते हैं, ऑप्शन होते हैं, रिफ्रेश और रीलोड, रिफ्रेश करने का या रीलोड करने का भी ऑप्शन होता है। तीसरा क्या होता है यूजर के पास, स्टॉप बटन होता है, ठीक है। स्टॉप से वो क्या कर सकता है, ए स्टॉप बटन टू कैंसिल लोडिंग द रिसोर्स। मान लीजिए उसने किसी पेज को खोलने के लिए यूआरएल टाइप किया और एंटर किया और फिर मान लीजिए उसको रोकना है, ठीक है, तो स्टॉप कर देगा तो कैंसिल हो जाएगा। चौथा जो ऑप्शन है वो क्या होता है, एक होम बटन होता है। होम बटन क्या होता है कि यूज़र सर्च करते हुए कहीं तक से कहीं तक पहुंच गया हो, जब वो होम बटन पे क्लिक करेगा तो वापस वो अपने फर्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो किसी भी यूज़र के पास वेब ब्राउज़र पे काम करते टाइम ये सारे बटन या ये सारे ऑप्शन रहते हैं। वो बैक और फॉरवर्ड जा सकता है, वो रिफ्रेश या रीलोड कर सकता है पेज को, वो स्टॉप कर सकता है नेविगेशन को, और वो होम पेज पे जा सकता है, ठीक है, क्लियर। इसके अलावा ये तो चार ऑप्शन हो गए, बटन्स होते हैं। इसके अलावा उसके पास क्या होता है, एक एड्रेस बार होता है। एड्रेस बार में आपने यूज भी कर रहे होंगे आप, एड्रेस बार में क्या होता है, अगर वो जो भी यूआरएल एड्रेस टाइप कर देगा और एंटर कर देगा वो उस वेब पेज पे पहुंच जाएगा। और क्या ऑप्शन रहता है उसके पास, एक सर्च बार भी रहता है। सर्च बार में क्या रहता है फायदा, कि सर्च बार में अगर कोई भी टॉपिक जो उसको सर्च करना है वो टाइप करके एंटर कर देगा, कमांड दे देगा, तो फिर उस टॉपिक से रिलेटेड सारे वेब पेज, सारी साइटें आ जाएंगी। उसके अलावा और क्या ऑप्शन रहता है, एक स्टेटस बार भी रहता है। स्टेटस बार से क्या पता चलता है, ए स्टेटस बार टू डिस्प्ले प्रोग्रेस इन लोडिंग द रिसोर्स एंड ऑल्सो द यू आर एल ऑफ लिंक्स व्हेन द कर्सर होवर्स ओवर देम एंड पेज जूमिंग कैपेबिलिटी। तो स्टेटस बार से उसको ये फायदा रहता है कि उसको जो लोडिंग हो रही है उसका प्रोग्रेस, कितनी लोडिंग हुई, कितना रह गया, ये सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो जब भी कोई यूजर, कोई व्यक्ति एक वेब ब्राउजर को यूज करता है तो उसके पास ये सारी चीजें वेब ब्राउजर प्रोवाइड करता है, बैक और फॉरवर्ड जाने के लिए, रिफ्रेश या रिलोड करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, होम करने के लिए, किसी और एड्रेस पे जाना है तो एड्रेस बार में टाइप करके एंटर कर देगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च करना है वो सर्च करके एंटर कर देगा, और जो उसने कमांड दिया हुआ है उस पर उसकी क्या प्रोग्रेस है, कितनी लोडिंग हुई है, कितना वेब पेज लोड हुआ है, वो देखने के लिए ये काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वेब ब्राउज़र में दी रहती हैं। ये आपको पिछले ही वीडियो लेक्चर में बतानी थी लेकिन वो वीडियो लेक्चर लेंदी हो रहा था, इसको मैंने यहाँ कवर कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेबसाइट पे, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है, तो वेबसाइट सिंपली ए वेबसाइट ऑल्सो रिटेन एज वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस कंटेनिंग इमेजेस वीडियोस और अदर डिजिटल एसेट्स। तो वेबसाइट आपको, आप सब लोग यूज भी करते हैं, आपको पता होगा कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट सिंपली ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस इमेजेस वीडियोज एंड अदर डिजिटल एसेट। ए वेब पेज इज ए डॉक्यूमेंट टिपिकली रिटेन इन प्लेन टेक्स्ट विथ फॉर्मेटिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो
वेबसाइट में क्या होता है, वेबसाइट कलेक्शन होता है किसका, वेब पेजेस का। और वेब पेज क्या होते हैं, वेब पेज सिंपली एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो सिंपल टेक्स्ट में लिखे रहते हैं, लेकिन उनकी जो फॉर्मेटिंग होती है, उनका जो लिखने का तरीका होता है, वो सब फॉलो करता है HTML को। वो फॉलो करता है HTML, मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में लिखा रहता है, मतलब ये जो सिंटेक्स वगैरह जिस फॉर्मेट में देने हैं इसको फॉलो करते हैं, या तो HTML को या XHT, एक्सटेंडेड HTML को। ठीक, तो HTML या XTML में ये वेब पेज बनाए जाते हैं। द पेजेस ऑफ ए वेबसाइट कैन यूजली बी एक्सेस फ्रॉम ए सिंपल URL कॉल्ड द होम पेज। यानी पेजेस को आप किसी भी वेबसाइट के, अगर आपको उसका URL मालूम है, URL मतलब, मैं इसको कई बार बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अगर ये एड्रेस आपको पता है तो आप उसके होम पेज पे जा सकते हैं। ए वेबसाइट में भी पर्सनल, कॉमर्शियल, गवर्नमेंट और ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वेबसाइट जो है आपकी अपनी पर्सनल वेबसाइट भी हो सकती है, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट भी हो सकती है, कॉमर्शियल भी हो सकती है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे .org लिखते हैं, NGOs की भी हो सकती है। क्लियर, तो ये हो गया आपका वेबसाइट का। अब आ जाइए आप वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं, अभी हमने थोड़ा सा तो आपको बता दिया, और इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। वेब पेज क्या होता है, ए वेब पेज और इज ए डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन रिसोर्स दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड कैन बी एक्सेस थ्रू ए वेब ब्राउजर एंड डिस्प्लेड ऑन ए मॉनिटर और मोबाइल डिवाइस। ठीक, तो वेब पेज क्या होते हैं कि डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो HTML या XHTML फॉर्मेट में लिखे जाते हैं, और जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं किससे, इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज यूजली इन HTML और XHTML फॉर्मेट एंड मे प्रोवाइड नेविगेशन टू अदर वेब पेजेस वाया हाइपर टेक्स्ट लिंक्स। देखिए इसमें हाइपर टेक्स्ट लिंक क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, ये देखिए आपने क्या होगा, आपने इंटरनेट यूज किया होगा, तो आपने मान लीजिए कोई वेब पेज खोला है। अब यहाँ पे मान लीजिए सपोज कीजिए लिखा है स्टूडेंट, जब आप कर्सर वहां पे लाते हैं तो जो कर्सर आपका सपोज कीजिए पॉइंटर की फॉर्म में था, वो वहां पे से ऐसे हथेली की फॉर्म में बन जाता है। ठीक है, या आप यहाँ पे कर्सर लाते हैं तो वो अपना शेप चेंज कर लेता है, इसका मतलब कि ये हाइपर टेक्स्ट लिंक है, मतलब इसके अंदर कुछ एम्बेडेड है, कुछ इसके अंदर ऑलरेडी डिटेल है। जब आप इसको आप क्लिक करते हो तो क्या होता है, एक नया पेज खुल जाता है और पूरी डिटेल फर्दर आ जाती है। तो जहां पे भी, जिस भी वर्ड पे, जिस भी लाइन पे, जिस भी सेंटेंस पे ऐसा रहता है, दे आर कॉल्ड हाइपर टेक्स्ट लिंक्स, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें वेब पेज जो है आप रिट्रीव कर सकते हैं लोकल कंप्यूटर पे भी, ठीक है, या रिमोट वेब सर्वर से भी आप दूर बैठ के भी उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, वेब पेज में कंसिस्ट ऑफ फाइल्स ऑफ स्टैटिक टेक्स्ट एंड अदर कंटेंट स्टोर्ड विद इन द वेब सर्वर फाइल सिस्टम। तो जो जितनी भी फाइलें आपके वेब सर्वर के अंदर स्टोर हैं, ठीक है, उन सबको आप रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेब पेजेस। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट आ गया, जो बार बार मैं कह रहा था, URL, जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इसी को शॉर्ट में बोलते हैं URL। URL क्या होता है कि सिंपली इट इज ए करेक्टर स्ट्रिंग दैट स्पेसिफाइज वेयर ए नोन रिसोर्स इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एंड द मैकेनिज्म फॉर रिट्रीविंग इट। मतलब ये URL एक तरह से देखिए
आप सिंपली ये समझ लीजिए कि यूआरएल क्या है, एक तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट का इंटरनेट पे एड्रेस है, ऐसे आप समझ लीजिए। समझ रहे हैं आप? मतलब कि अगर आपको, और इसका एक सिंटैक्स, यूआरएल लिखने का एक स्टैंडर्ड सिस्टम होता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या कहा कि सिंटैक्स आप इस तरह लिखते हैं, जैसे एक पहले हम इसका स्टैंडर्ड सिंटैक्स लिखते हैं, फिर हम आपको एग्जांपल लेके समझा देंगे। देखिए स्टैंडर्ड सिंटैक्स क्या होता है यूआरएल लिखने का, सबसे पहले आप लिखेंगे स्कीम, फिर आप ऐसे दो बिंदी मतलब कॉलन लगाएंगे, फिर दो स्लैश लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे डोमेन, फिर आप दो कॉलम लगाएंगे, फिर आप लिखेंगे पोर्ट, फिर स्लैश लगाएंगे, फिर लिखेंगे पाथ, उसके बाद जो भी क्वेरी है वो उसकी स्ट्रिंग आप लिखेंगे, और फिर किस फ्रैगमेंट में है, तो फ्रैगमेंट अंडर स्कोर आई, फ्रैगमेंट अंडर स्कोर आई, ये स्टैंडर्ड सिंटेक्स होता है यूआरएल का। अब इसमें कौन सी चीज क्या है, देखिए एवरी यूआरएल कंसिस्ट ऑफ सम ऑफ द फॉलोइंग, द स्कीम नेम कॉमनली कॉल्ड प्रोटोकॉल। तो ये जो शो करेगा आप इसको हम मार करते, ये तो शो करता है प्रोटोकॉल, ठीक है। उसके बाद कॉलम हो गया, उसके बाद दो स्लैश हो गया, फिर डिपेंडिंग ऑन द स्कीम प्रोटोकॉल पे डिपेंडेंट हम क्या लिखेंगे, या तो हम डोमेन नेम लिखेंगे या हम आईपी एड्रेस लिखेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक। उसके बाद पोर्ट नंबर आ जाएगा, उसके बाद पाथ आ जाएगा, ठीक। द पाथ ऑफ द रिसोर्स टू बी फेस्ड और द प्रोग्राम टू बी रन, देन फॉर प्रोग्राम सच एज कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट ए क्वेरी स्ट्रिंग, अगर आपको प्रोग्राम रन कराना है तो फिर क्वेरी स्ट्रिंग आ जाएगी और ऑप्शनल फ्रैगमेंट आइडेंटिफायर आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड सिंटेक्स होता है किसी भी यूआरएल को लिखने का। तो आई होप कि आपको जो इंटरनेट से रिलेटेड जो भी टर्म्स है, वेबसाइट, वेब सर्वर और आपका वेब ब्राउजर, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपको सब क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी कुछ कोई टर्म रह गई है, कोई टॉपिक रह गया है, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना के डाल दूंगा। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।